यूपी के प्राइवेट स्कूलों ने इस सेशन में गरीब परिवारों के बच्चों को एडमिशन ना देने का फैसला किया है। ये फैसला यूपी के स्कूलों ने 2 साल से रीइंबर्समेंट ना मिलने के कारण किया है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने इस सेशन से गरीब वर्ग के बच्चों को दाखिला ना देने की बात कही है। दरअसल स्कूलों का कहना है कि सरकार की तरफ से गरीब बच्चों के लिए मिलने वाला रिइंबर्समेंट पिछले 2 साल से स्कूलों को नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले पर यूपी के कई प्राइवेट स्कूलों ने इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात कर एक स्टेटमेंट में कहा कि राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 12(2) के तहत पिछले 2 साल का रिइंबर्समेंट मिलने के बाद ही यूपी के अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स गरीब परिवारों के बच्चों को एडमिशन देंगे। निजी स्कूलों का कहना है कि राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से 450 रुपए प्रति छात्र और प्रति माह रिइंबर्समेंट तय किया था, जबकि इसे आरटीई की धारा 12(2) के अनुसार तय किया जाना था। प्राइवेट स्कूलों के मालिकों का मानना है कि यह आरटीई कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले की कोई औपचारिक रूप से जानकारी नहीं मिली है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स दरअसल जिस रिइंबर्समेंट की मांग कर रहे हैं उसे स्कूल या तो फीस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्कूल व्यवस्था के खर्चों के तौर पर। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।